नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं संविधान की संपूर्ण कक्षाएं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। इसी पूर्व की क्लासों में आप एक संविधान का सामान्य परिचय, संविधान के सामान्य परिचय के साथ साथ भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ, अनुसूचियों के साथ साथ हमने कल पढ़ी थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का भाग एक। भारतीय संविधान के 22 भागों में से पहले भाग में क्या लिखा हुआ है उसके विषय में हम आज लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख कर रखा है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो पहला भाग है, भारतीय संविधान का जो भाग स्टार्ट होता है, भारतीय संविधान का जो भाग एक है उसमें किन का उल्लेख कर रखा है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर रखा है। साथ ही ये आज से ही आप लोग मेरे से जुड़ जाएंगे ताकि मैं सारे के सारे भाग और अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ा सकूं। भाग एक कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? भाग एक में वर्णित संघ और राज्य क्षेत्रों का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद कहां से कहां तक किया गया है, ये भी बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 तक किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम भारतीय संविधान को स्टार्ट करते हैं तो अनुच्छेद 1 और 395, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं तो पहले अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है और लास्ट अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, प्रथम और अंतिम अनुच्छेद हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आप मैं आज लोगों को परिचित कराता हूँ भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 1 के विषय में। देखो पुनः आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, भारतीय संविधान के भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है और संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का कुल उल्लेख जो आपको मिलेगा वह अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलेगा। मतलब भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक के सभी जो प्रावधान हैं वो भाग एक में रखे जाएंगे। अब हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 1 की कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, जरा हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए क्या लिखा गया है, भारत को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट कि भारतीय संविधान में भारत के लिए क्या कहा गया है, तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक राज्यों का देश, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्यों का देश। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्यों का संघ आप लोग करेंगे इसे, राज्यों का संघ, यूनियन का मतलब संघ होता है, हमारा जो देश होगा वो एक राज्यों का संघ होगा। क्योंकि पिछले वीडियो में अनुसूचियों में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान की अनुसूची 1 भी बच्चों संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख करती है, और भारतीय संविधान का भाग 1 भी संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करती है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भी संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे संविधान में भारत को क्या कहा गया है, संविधान में भारत को भारत भी कहा गया है और संविधान में भारत को इंडिया भी कहा गया है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान में अनुच्छेद 1 की अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारे देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ऐसे शब्दों का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान इंग्लिश में लिखा गया है और इंडिया के नाम से ही हमारे देश को संबोधित कर रखा है संविधान में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं
तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना में दो बार भारत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में दो बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में इंडिया भी कहा गया है। तो हमारे देश के जो संविधान है उसमें हमारे देश का नाम इंडिया या भारत बताया गया है, लेकिन भारत शब्द का प्रयोग केवल दो बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो अनुच्छेद एक में राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है, हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, मतलब राज्यों का संघ कहा गया है। इंडिया अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया है बच्चों? इंडिया। और ध्यान रखेंगे संविधान की प्रस्तावना में दो बार भारत शब्द का भी प्रयोग कर रखा है। जरा हम देख लेते हैं यूनियन क्या होता है बच्चों। तो यूनियन का जो अर्थ होता है वो होता है संघ। जरा हम इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यूनियन, और यूनियन के साथ एक और शब्द होता है बच्चों जिसका नाम है फेडरेशन। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यूनियन और फेडरेशन दोनों का अर्थ क्या होता है? संघ ही होता है, लेकिन भारतीय संविधान में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यूनियन शब्द का, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर है? आप लोगों को पता होगा कि भारत में कैसा शासन है। देखो संघात्मक, दो प्रकार के शासन भी हुआ करते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, संघात्मक और एकात्मक। तो यहाँ पर संघात्मक का अर्थ क्या होगा इसे जानने से पहले आप लोग ये भी देख लेंगे कि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था हम कनाडा से लेकर के आए हैं। हमने जो संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया है बच्चों, ये कनाडा से लिया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब यूनियन, यूनियन शब्द भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यूनियन शब्द कहाँ से लिया है, यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिए? कनाडा से ली गई है। जरा मैं आप लोगों को बता दूँ कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो ऐसा देश जहां पर राज्य सरकारें भी अस्तित्व में रहती हो, जहां केंद्र सरकार भी हो और राज्य सरकार भी हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विषयों का विभाजन हो, केंद्र सरकार के पास भी कार्य करने के लिए विषय हो और राज्य सरकार के पास भी कार्य करने के लिए विषय हो, मतलब जिस भी देश में राज्य सरकारें अस्तित्व में होगी वहां का जो शासन होगा बच्चों वो होगा संघात्मक शासन। जरा हम बातचीत कर लेते हैं एकात्मक शासन की। एकात्मक शासन ऐसा देश जहां पर राज्य सरकारें अस्तित्व में नहीं रहती है, डायरेक्ट वहां पर क्या होगा, केंद्र सरकारें अस्तित्व में रहेगी, उस देश को हम एकात्मक कह सकते हैं। एकात्मक शासन का मतलब राज्य सरकारें नहीं होगी, राज्य सरकारें नहीं होगी तो उनके मध्य विषयों का बंटवारा भी नहीं होगा। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब यूनियन हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। जरा हम एक और समझ लेते हैं संघात्मकों की, और संघात्मक क्या होगा। संघात्मक के अंतर्गत आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आप लोगों ने भारतीय संविधान के अनुसूची एक का अध्ययन किया था। मैंने पूर्व में भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां में पढ़ा चुका हूं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन्हें सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो वहां मैंने राज्य क्षेत्रों का, केंद्र शासित प्रदेशों का इनका उल्लेख कर रखा है, वहाँ बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से समझा रखा है। वर्तमान में हमारे कुल राज्य और कुल केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं वह हमारे भारत से अलग नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में वह भारत से, संघ से अलग नहीं हो सकते। इसे ही हम क्या कहेंगे? संघात्मक शासन कहेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे जहां पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब हमारा कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, हमारे देश का संविधान उसे अलग होने की स्वतंत्रता नहीं देता। लेकिन जहां पर फेडरेशन होगा, फेडरेशन वाले सिस्टम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संघ से अलग हो सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ऐसा सोवियत संघ में हुआ था।
नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में किन किन को रखा जाएगा, तो जरा हम देख लेते हैं भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा। ये भी बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों की हो सकती है। तो देखो, भारत के राज्य क्षेत्र में हम तीन बातों को रखेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के तमाम राज्य जो भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे, हमारे संघ के क्षेत्र में होंगे, साथ में केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश भी जो होंगे वो किस में होंगे बच्चों, राज्य क्षेत्र में ही होंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है अर्जित प्रदेश, अर्जित प्रदेश भी क्या होंगे बच्चों, राज्य क्षेत्र में, हमारे देश के राज्य क्षेत्र में ही सम्मिलित होंगे। तो ये था बच्चों भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक, आर्टिकल एक। आप लोग समझ गए होंगे इसे कि अनुच्छेद एक में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है, अनुच्छेद एक में भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, यूनियन जैसे शब्द हम लोगों ने कनाडा से लिया है, संघात्मक शासन है। और ये बात कहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में संघात्मक शासन है, ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद एक में वर्णित है संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो की, लेकिन निश्चित ही बच्चों आपके ये अर्जित प्रदेश समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आप लोगों को पुनः बता देता हूँ। जिसे हमारा देश है और ये इधर पाकिस्तान है, तो इस पाकिस्तान से अपन ने ये जो छोटा सा क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं ये क्षेत्र इधर अर्जित कर लिया, तो ये अर्जित जो प्रदेश होंगे ये भी भारत में ही मान्य जाएंगे, भारत में ही सम्मिलित होंगे, इन्हें हम बोलेंगे अर्जित प्रदेश। इन्हें हम युद्ध में जीत करके भी ले सकते हैं, हम किसी भी प्रकार इनको अर्जित कर सकते हैं। तो ये थी बात बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक की। अब हम जरा बातचीत कर लेते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद दो, भारतीय संविधान का आर्टिकल दो क्या कहता है, जरा इस बारे में भी हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो में बहुत बढ़िया बात यहाँ बता रखी है कि जिस प्रकार हम लोगों ने अभी पढ़ा था अर्जित प्रदेश, उन अर्जित प्रदेशों को राज्य हम बना सकते हैं, बाहरी प्रदेशों को राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है बाहरी प्रदेशों को, जैसे चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनके प्रदेशों को भी हम हमारे भारत संघ में सम्मिलित कर सकते हैं, वो जो अर्जित प्रदेश है। तो बाहरी प्रदेश को राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करने का अधिकार है, बाहरी प्रदेश को राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करने का अधिकार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 बताता है, और साथ में बाहरी प्रदेश को राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करने का जो अधिकार दिया गया है, जो पावर दी गई है बच्चों, वह किसको दी गई है, संसद को दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि बाहरी प्रदेश को या अर्जित प्रदेश को वह राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि नए राज्यों का गठन भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे ये नए जो राज्य होंगे, नए राज्यों का जो हम गठन करेंगे ये जरा बाहर के होना चाहिए, हमारे संघ के नहीं होना चाहिए। तो ये थी बच्चों बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 1 में हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार देखा, अनुच्छेद 2 में बाहरी प्रदेशों को भी हम राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं, और हमारे देश में जो ऐसी शक्ति दी गई है वह संसद को दी गई है। नेक्स्ट हम बच्चों बातचीत कर लेते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है, जरा हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बच्चों, ये बहुत कठिन भाग होते हैं, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, भाग 1 और भाग 2 बहुत कठिन होते हैं संविधान के। तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है, अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि आपने नए राज्यों का गठन किया, अर्जित प्रदेश को आप लोगों ने राज्य का दर्जा दे दिया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में भी आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। निश्चित ही परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए कहता है, और ये इस बात का अधिकार किसको देता है, संसद को देता है। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे
राज्यों के नाम में परिवर्तन, आप लोग इसके माध्यम से राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि अभी कई सारे राज्यों के नाम परिवर्तन हो चुके हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि किन किन राज्यों के नाम परिवर्तन किए। आज हम केवल भाग एक पर विशेष चर्चा करेंगे। तो भाग अनुच्छेद 3, राज्य की सीमाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा अधिकार संसद को दिया है आर्टिकल 3 ने। राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जरा इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बात आपकी समझ में आ गई तो लगभग संविधान का कई सारा हिस्सा आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4, क्योंकि संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक दे रखे, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 इस बात का उल्लेख करता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इस बात को जरा बहुत अच्छे से समझना, 368 के तहत नहीं माना जाएगा, यहां से काफी सारी बातें खुलेगी, नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 इस बात का उल्लेख करता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अब जो दक्षिणी अफ्रीका से लेकर के आए थे वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दे रखी है, लेकिन हम जो संविधान संशोधन करने जा रहे हैं अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अनुसार हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, जरा हम इसे भी देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चों कि संविधान संशोधन, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप लोगों से बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय में संविधान में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, जरा आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। भारत के जो संविधान है उसमें हमने एक ऐसा सिस्टम भी रखा है कि हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, इस बात को जरा आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो होता है सामान्य संविधान संशोधन। सेकंड नंबर पर बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो विशेष संविधान संशोधन। और नंबर 3 पर अगर हम बातचीत करते तो नंबर 3 पर होगा विशेष संविधान संशोधन प्लस आदेश राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन। तो यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए बनकर के तैयार होता है। आप लोग अच्छे से देखेंगे कि भारत के अंदर संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, हमारे संविधान में संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। केवल ऐसा ही प्रश्न पूछे तो आप लोग उत्तर देंगे कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। लेकिन अब आप लोगों से ऐसे पूछ ले कि भारतीय संविधान के भाग 20 में जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हम बात वही तो कर रहे थे कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के जो प्रावधान आप लोग लागू करेंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, तो कितने प्रकार से, केवल 2 प्रकार से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाएगा बच्चों, केवल 2 प्रकार से, विशेष संविधान संशोधन और विशेष संविधान संशोधन के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा वह अनुमोदन होना चाहिए।
मतलब हम सामान्य संविधान संशोधन, आप लोग ध्यान रखेंगे, सामान्य संविधान संशोधन को संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद दे रखा है 368 उसमें नहीं मानेंगे। तो हम अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का गठन करना चाहते हैं, हम अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, राज्यों के नामों में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो बच्चों वह कौन सा होगा? सामान्य संविधान संशोधन, क्योंकि अनुच्छेद 4 में मना कर दिया है कि वह 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं माने जाएंगे। तो मैं आप लोगों को जरा यही समझा रहा हूं, आप लोगों से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि नए राज्यों का गठन करने के लिए आप कौन सा संविधान संशोधन करेंगे। तो नए राज्यों का गठन करने के लिए सामान्य संविधान संशोधन करेंगे, क्योंकि इस बात का उल्लेख कहाँ कर रखा है? अनुच्छेद 4 में कर रखा है, क्योंकि वह मना करेगा आप लोगों से कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया 368 में वर्णित है इनके प्रावधान उसमें नहीं माने जाएंगे। तो नए राज्यों का गठन, नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित जो हमारा संविधान संशोधन होगा वह कौन सा होगा? सामान्य संविधान संशोधन। विशेष संविधान संशोधन हम किसे कहते हैं? जिस भी सदन में विधेयक लाया जा रहा है उस सदन की कुल संख्या का विशेष बहुमत होना चाहिए, साथ में मतदान उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। ये भी आप लोग बच्चों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं इसी संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं को। तो आप नए राज्यों का गठन करना चाहते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? विधेयक लाना होगा। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आप आगे बढ़ता हूँ, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा, मैंने बढ़िया समय आप लोगों को दे दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, संविधान संशोधन को ही। तो अभी भी आप लोगों ने जाना कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन सामान्य पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाएगा, तीन प्रकार से, और 368 के तहत कितने प्रकार से किया जाएगा, दो प्रकार से। अब आप परिवर्तन करना चाहते हैं अनुच्छेद 2 में, परिवर्तन करना चाहते हैं आप लोग अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 व 3 आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों का भी गठन कर सकते हैं और नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लाना होगा विधेयक, विधेयक हम बिल भी कहते हैं बच्चों, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, बिल लाना चाहते हैं, विधेयक लाना चाहते हैं। विधेयक हम किसे कहते हैं? कि कानून बनाने से पूर्व तैयार किया गया प्रारूप राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम उसे विधेयक कहते हैं, बिल ही कहते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बाद वह एक्ट हो जाता है। अब हमें करना है किसी भी राज्य का गठन करना है या किसी के भी सीमाओं में परिवर्तन करना है या नाम परिवर्तन करना है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि भारत के राष्ट्रपति से परमिशन अनुमति लेनी होगी। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनकी अनुमति लेनी होगी, और राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले क्या करेगा? जिस भी राज्य का गठन करना चाहते हैं, जहाँ से उसे तोड़ना चाहते हैं, या जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, उस राज्य से अनुमति लेगा, राज्य से अनुमति लेगा। अनुमति का मतलब आप लोग यहाँ पर ऐसे देख लेंगे कि केवल राय लेगा, राय लेगा, अनुमति हम नहीं कह सकते, जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य से राय लेगा, संबंधित राज्य से क्या लेगा? राय लेगा और उसको समय देगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछ रखा गया है कि ये समय कितना होगा। आप राज्यों का पुनर्गठन करना चाहते हैं, राज्यों के नामों में परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इनसे राय लेगा संबंधित राज्य से, तो वो जो लेटर भेजेगा उसका जवाब देने का समय, यहाँ पर टाइमिंग के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो इसके जवाब, राज्यों के जवाब देने का समय भारत का राष्ट्रपति निश्चित करेगा। ये कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये इनको 3 दिन का समय दे सकता है, इनको 4 दिन का समय दे सकता है। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यों ने मना कर दिया, तो मना कर दिया तो क्या राष्ट्रपति इन राज्यों से राय लेगा, और ये जो राय देगा इसकी राय को मानने के लिए बाध्य है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति इनकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जून 2014 का आंध्र प्रदेश का मामला आप लोगों को पता होगा, तेलंगाना आपके सामने ही है और तेलंगाना से आप सभी लोग परिचित है। आंध्र प्रदेश राज्य ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे क्या कर दिया गया? राज्य बना दिया गया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति इनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है।
नेक्स्ट हम और बातचीत करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने जो पढ़ा था संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, जरा हम उसे एक बार और देख लेते हैं। अब देखो, आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, ध्यान रखेंगे आप, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि इस विधेयक को, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक को, नए राज्यों के गठन के विधेयक को, या इनके नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश करेंगे। लेकिन कभी भी जो अनुच्छेद 368 की जो संविधान संशोधन है, दो प्रकार से, विशेष अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, और आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति अनुमोदन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 368 के प्रावधानों में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान संशोधन विधेयक, आप लोग ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी क्या नहीं बुलाया जाएगा बच्चों, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में लिखा गया है। जब मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 आप लोगों को बताऊंगा, तब बहुत डिटेल से हम संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे। नए सत्र के प्रारंभ में या सामान्य विधेयक पर, अभी मैंने जो पहला विधेयक बताया था, सामान्य विधेयक पर आपस में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति बच्चों हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य होता है। जरा आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम एक और बातचीत कर लेते हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों की जानकारी होगी, और ये निश्चित ही प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। एक तो है हमारे पास बच्चों लोकसभा, और सेकेंड नंबर पे हम बातचीत करते हैं राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हाउस ऑफ द पीपल हम कहते हैं लोकसभा को, और काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट हम कहते हैं राज्यसभा को। इनकी लोकसभा और राज्यसभा की भी हम काफ़ी विस्तार से चर्चाएं करेंगे, लेकिन जब इन्हें पढ़ेंगे तब करेंगे। आप लोग ध्यान रख, आपको पता होगा कि लोकसभा ने विधेयक को पारित किया, और दरअसल ये जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक है। इस संविधान संशोधन विधेयक को किसने पारित किया बच्चों, लोकसभा ने, और लोकसभा के पारित होने पर विधेयक किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास। लेकिन लोकसभा ने विधेयक पारित कर राज्यसभा के पास भेज दिया, राज्यसभा ने अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी, राज्यसभा ने उसे अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की, राज्यसभा ने उसे अनुमोदित नहीं किया, राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान रखेंगे, विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है, काफी सारी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि लोकसभा ने विधेयक पारित करके राज्यसभा के पास भेज दिया, राज्यसभा ने उसे स्वीकृति नहीं दी, उससे पहले ही लोकसभा समाप्त हो गई, बताइए विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विधेयक भी क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अस्थाई सदन है। जरा आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट इसका उल्टा आप लोग सुनेंगे। कोई भी विधेयक राज्यसभा ने पारित किया है, अब इस बार विधेयक लोकसभा पारित नहीं कर रही है, विधेयक किसने पारित किया है बच्चों, राज्यसभा ने पारित किया है, और ये विधेयक राज्यसभा के बाद किसके पास आएगा, लोकसभा के पास। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा ने विधेयक पारित करके लोकसभा के पास भेज दिया, और लोकसभा इसे स्वीकृति देती, लोकसभा इसे स्वीकृति देती, उसे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह स्थायी सदन है, विधेयक वैसा का वैसा ही रहेगा, और तुरंत जो नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा इस विधेयक को मंजूरी देगी, या नई लोकसभा इस विधेयक पर विचार करेगी, विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो ये थी बच्चों बात संविधान के भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 की, एवं थोड़ी बहुत बातें हमने भारतीय संविधान के भाग 20 पर अनुच्छेद 368 की। मुझे लगता है कि आप लोगों को जानकारी निश्चित ही समझ में आई होगी। कल मैं आपको संविधान का भाग 2 नागरिकता के विषय में बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, मित्रों, आप लोगों को एक क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।